प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भागरे, ये पकड़े पांडो। अरे 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 सब बोलते। अरे 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 बेचारा रे, ये पापलेट। अबे अरे पकड़ पकड़। ये भागरे, अरे अरे बेचारा रे, ये पापलेट। अरे रुक ले। भाजी ले लो, भाजी भाजी। अरे पकड़ सर। ये तो भाग गया। हेलो। हाँ हाँ, सीधा सूरत ही पहुंच रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस। हाँ अरे गेला कुठे मात्रा, मला काय माहिती या बाजून तर आला। अरे तुला सांग जरा, जोरात जाओ, जोरात जाओ, ऐकत नाही तू। हे समज तुझ्यामुळे झाले। दिसल दिसल, थांब जरा। मी चला गया अभी। गेला मैं चल अभी। हाँ चल। अरे दया। हाँ? ये बापूजी गार्डन से रोज 8:30 बजे तक आ जाते हैं ना। हाँ? तो उनका कुछ फोन बनाया था? नहीं। तो अभी तक आया क्यों नहीं? 10 बज गए। अरे हाँ, 10 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आया? आप एक काम करो ना, त्रिभुवन काका को फोन करो ना। क्यों? क्यों क्या? आप उनको फोन करके पूछिए कि अभी तक बापूजी क्यों नहीं आए। त्रिभुवन काका त्रिकाड ज्ञानी है। नहीं तो फिर उनको अहमदाबाद में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि बापूजी कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आए। ओ फोट फूके पापा, मैं मेरे अहमदाबाद वाले त्रिभुवन काका की बात नहीं कर रही हूँ। तो? मैं बापूजी के दोस्त जो उनके साथ रोज गार्डन में योगा करते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो टेलीफोन डायरी देना जरा। हाँ हाँ। इसमें तो उनका नंबर नहीं है। टीम में देखिए। अरे टीम में भी देखा और काका के में भी देखा, नहीं है नंबर। तो फिर डी में देखिए। डी? हाँ, दोस्त त्रिभुवन, शायद बापूजी ने ऐसा लिखा हो। नहीं, इसमें भी नहीं है। तो एम? एम? हाँ, मित्र। अरे तू क्या टाइम पास कर रही है दया? सॉरी सॉरी। आर में देखिए। आर से क्या? रीत सर के दोस्त। अरे नहीं नहीं, आर से रामजी काका, बापूजी के दूसरे दोस्त है ना, वो भी गार्डन में जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ इनका नंबर है। हाँ तो
हेलो। हाँ हेलो राम जी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। बापू जी आपके साथ में है? नहीं। अच्छा तो घर आने के लिए निकल गए? कहाँ से? गार्डन से। गार्डन से? हाँ? लेकिन चंपक तो गार्डन में आज योगा करने आया नहीं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बापू जी तो गार्डन जाने के लिए रोज के टाइम पे घर से निकल गए थे। त्रिभुवन, चंपक घर से योगा करने निकला था तो यहाँ पहुँचा ही नहीं, तो किधर गया? अरे जेठा, चंपक किधर गया? वही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया। कोई बात नहीं काका, मैं आपका बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? अरे दया, ये रामजी काका तो कह रहे बापू जी आज गार्डन आया ही नहीं। हे मां, मत दीजिए। टप्पू के पापा ऐसे कैसे हो सकता है? बापू जी गार्डन नहीं गए तो फिर कहाँ गए होंगे? कहीं वो लड़के ने फिर से उनका पोस्टर तो नहीं लगा दिए होंगे? नहीं नहीं, कल रात को मेहता साहब, सोडी, पोपटलाल सब बाहर गए थे देखने, चेकिंग करने के लिए, और रात को सोडी का फोन भी आया था, वो लड़के ने ऐसे और कोई पोस्टर नहीं लगाया। तो फिर कहाँ गए होंगे? रोज देर से जाने वाले हो या फिर देर से आने वाले हो, हमेशा बता कर जाते हैं। टप्पू के पापा, मेरी दाई आँख फड़क रही है। अरे दया, एक तो वैसे ही यहाँ पे टेंशन है, ऊपर से अपनी दाई आँख फड़फड़ा कर और टेंशन मत बढ़ा। हाँ गए होंगे बापू जी। हाँ लव जी काका, आपके घर पे है बापू जी? नहीं नहीं बाप, पता नहीं, वो एक दो दिन पहले आपका याद कर रहे थे तो मुझे लगा शायद वो अभी बाहर गए ना, मोबाइल रखते नहीं है बापू जी, तो इसलिए थोड़ा काम था मुझे, तो मुझे लगा शायद आपके घर पे आए होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ आए तो मुझे बताना। ओके थैंक यू। दया वहाँ भी नहीं है बापू जी। ये बापू जी भी पता नहीं मोबाइल क्यों नहीं रखते, कल जो कुछ हुआ इसीलिए मैं आज उनके साथ जा रहा था, लेकिन मुझे मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। अभी पता कैसे चलेगा कहाँ है बापू जी? टप्पू के पापा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। मैं काम करता हूँ, मैं मेहता साहब से मिल के आता हूँ। कहाँ होंगे बापू जी, किस हाल में होंगे? हे भगवान, बापू जी पे कोई नई मुसीबत मत आने देना। अंजलि, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तारक, अब जा रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ अंजलि? ऐसे नहीं जाने दूंगी। अरे अंजलि ऐसे मत बोलो, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा मेरा। रुक भी जाता लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है अंजलि। अरे हाँ बाबा जाइए, लेकिन ये टिफिन लेके जाइए। टिफिन की बात कर रही थी तुम? बाबा पता नहीं आज कैसे रह गया। आज नहीं, आज भी रह गया। मेहता साहब जल्दी चलिए। कहाँ? बापूजी को ढूंढने जाना है। क्या मतलब? क्या हुआ बापूजी को? अरे बापूजी रोज की तरह आज भी सुबह गार्डन में योगा करने के लिए निकले, लेकिन गार्डन पहुंचे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ रोज तो 8:30 बजे तक आ जाते हैं, अभी देखो 10 बजे फिर भी वापस नहीं आए। लेकिन जेठालाल तुम्हें कैसे पता कि वो गार्डन पहुंचे ही नहीं है? उनका दोस्त है रामजी काका, मैंने उनको फोन किया। हाँ? तो उन्होंने बताया कि तेरे बापूजी आज तो गार्डन में आए ही नहीं। चलिए चलिए उनको ढूंढने जाते हैं, कुछ पता तो चले क्या हुआ क्या नहीं। क्या तारक, क्या सोच रहे हैं? नहीं अंजलि, मैं सोच रहा था ऑफिस। अरे मेहता साहब जी, हमारे बापूजी गुम हो गए, आपको ऑफिस जाना है? नहीं 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 जेठालाल, मैं ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ऑफिस में बॉस को क्या बहाना बोलूं कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अरे इसमें बहाना क्या बनाने का मेहता साहब, जो सच है वो बोल दो कि मेरे जिगर जान दोस्त के बापूजी गुम हो गए तो उनको ढूंढने जा रहे। अरे भाई वो बात को समझेंगे, वो भी बापूजी वाले होंगे ना? होंगे क्या, है उनके भी बापूजी हैं। बस तो फिर जो है वो बोल दो, रास्ते में से फोन कर देना। चलो चलो अंजलि, चलो टिफिन।
ये भी लो, चलो ठीक है चलिए। एक मिनट जेठा, चाचा जी की एक तस्वीर साथ ले लेते हैं। ठीक है, मैं दया को बोल देता हूँ, वो नीचे दे जाएगी कंपाउंड में। मैं सोड़ी को फोन कर दूँ, जीप लेके कंपाउंड में आ जाए। बराबर, करो करो। हेलो, हेलो दया, मैं और मेहता साहब बापूजी को ढूंढने जा रहे हैं, तो तू बापूजी एक अच्छी वाली फोटो जरा नीचे कंपाउंड में दे जाना। ठीक है। लगा? गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग छोड़ी, कहाँ है तू इस वक्त? मेहता साहब मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और गैरेज पे हूँ, तुझे दसो की होया? एक काम कर, अपनी जीप लेके फटाफट सोसाइटी कंपाउंड में आ जा प्लीज। दसो दे सी, केड़ी टेंशन हो गई, की हो गया? अरे अभी सवाल मत कर छोड़ी की क्या हुआ, तू आ तो सही, मैं सब बताता हूँ, तू जल्दी आ जा। मेहता साहब है गल, तो आप 1 से 100 तक गिनती गिनना शुरू करो, रोशन सिंह छोड़ी 100 गिनती होने से पहले गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएगा। ओके चले 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 चले। क्यों आया सोड़ी भाई? ओ क्यों आया, तू छाड़, फटाफट ये काम कर, गड्डी अपने को कल देनी है, पर हम लोग आज ही दे देंगे ताकि रोशन सिंह सोड़ी के गैराज की गुडविल बढ़े। ये ले फाड़ और लस्सी पी, चल भाई सोड़ी। ये तो बंद हो गया। क्या चाचा जी अभी तक घर पे नहीं आए? नहीं भाई जेठालाल, सारी गलती तुम्हारी है। कल के हादसे के बाद आज सुबह तुम्हें चाचा जी को इस तरह से अकेले बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। अरे मैं नहीं जाने दे रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी और अकेले निकल गए। कह रहे थे वो कल तो सारे पोस्टर फाड़ दिए, आज कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा अभी क्यों खड़े हैं? जल्दी से जाइए, बापूजी को ढूंढिए। हां वो मेहता साहब ने सोटी को फोन किया, वो जीप लेके आ रहा है, उसके आते ही हम लोग निकल जाएंगे जीप में। मैं फिर देखता हूँ कहाँ है यार वो। हाँ देखो जरा कहाँ पहुँचा वो। हाँ लो आ गया। आजा भाई, इतना टाइम तो लगा था, कितनी देर? अरे 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 सोड़ी, अरे 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 सोड़ी, अरे सोड़ी भाई, सोड़ी, अरे 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 सोड़ी सोड़ी, अरे पप्पू भाई, अरे सोड़ी सोड़ी, सोड़ी भाई तू क्या कर रहा है? अभी उड़ा देता तू मुझे। पोपट उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पप्पू और तू भी कमाल करता है। ओ छाट, ओ मैं तो सब की टेंशन होगी, क्यों बुलाया? अरे टेंशन हो गई सोड़ी, चाचा जी सुबह गार्डन में घूमने गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें ढूंढने जाना है इसलिए तुम्हें बुलाया। चाचा जी गायब हो गए? हाँ। आज अगर इस बदमाश ने चाचा जी के साथ कुछ किया ना, तो मैं इसको रेगिस्तान में ले जाकर रेत में जीप के पीछे बांध कर घुमाऊंगा। सोड़ी एक बात बता, तेरी ये जीप रेगिस्तान में चलेगी? पहले चाचा जी को ढूंढ के आते हैं, फिर तुझे अच्छे से समझाते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी जाइए। तू इधर ही रह, बापूजी आ गए सोसाइटी में, तुमको फोन करके बताना। चले, वो फोन में बैलेंस है ना? दया तू फोन कर देना। अरे है भाई बैलेंस है, सोड़ी अभी निकल लेट हो रहा है। क्या हो गया सोड़ी? पता नहीं मेहता साहब, जीप पे डीजल है ना, रात को ही डलवाया था। ओए दन्नो रानी स्टार्ट हो जा यार, चाचा जी की इज्जत का सवाल है। मतलब चाचा जी को ढूंढने जाना है। स्टार्ट करना भाई। ओ पिडू क्या देख रहा है, धक्का मारना प्लीज। हाँ पिडू पिडू फास्ट फास्ट जल्दी। ये तेरी गाड़ी को अभी बिगड़ना था। ओ मेरी तो किस्मत ही बिगड़ी हुई है। दया भाभी सॉरी सॉरी। अरे भाई भिड़े क्या कर रहे हो, कैसे धक्का मार रहे हो, गाड़ी हिल भी नहीं रही है। अरे कैसे हिलेगी पोपटलाल, चाचा अभी जीप पे बैठे हो, अकेला धक्का मार रहा हूँ मैं। हेल्प करते ना तेरी। अरे छोटी तू क्यों उतर गया? अरे हाँ सब लोग उतर गए। गणपति बप्पा जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। रेगिस्तान में क्या खाक चलेगी? एक काम करते हैं, ये जीप रहने देते हैं, रिक्शा से जाते हैं। हाँ भाई कौन इंतजार कर रहे हैं, चलो भाई चलो 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 चलो।
मैं फोन करता हूँ कुछ भी होता है। अरे देवा, मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर दी। वो हाथी साहब, आपने घर के आगे गड्डी खड़ी नहीं की है, वो एक्चुअली गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं धक्का देता हूँ ना। प्लीज प्लीज आ जाओ। कोई फायदा नहीं आती भाई, स्टार्ट नहीं होगी। अरे बिल्कुल होगी भिड़े मास्टर, इतना खाया किस दिन काम आएगा। अब ब्लू शिक्षक है, बी पॉजिटिव। अरे हमने कोशिश की हाथी भाई, नहीं हो रही है। शाबाश हाथी भाई, शाबाश, वेरी गुड, जम के। और आप जी कृपा कर दो। कम ऑन हंस। तो कितना भी ट्राई करो हाथी भाई, ये जीप स्टार्ट हो गई। क्या बात है हाथी भाई, डॉक्टर के पहलवान है। अरे अरे अरे, आराम से चलो 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 बैठो। बड़े मास्टर, ये सुबह सुबह कहाँ घूमने गए? घूमने नहीं गए, वो चाचा जी घर पे नहीं आए अभी तक, ढूंढने गए। क्या बात कर रहे हो? सुनिए, रुक रुक रुक, वो आपने के पास बाबूजी का फोटो वाला कुछ है? बस अब एक सेकंड में देखो। ये देखिए मेहता साहब, अभी उस बदमाश लड़के ने 20,000 के इनाम वाला टेम्पलेट छपवा दिए। अभी 20,000 के इनाम के लिए लोग बापूजी के पीछे पड़ गए होंगे। अरे रोको, अरे गाड़ी रोको, अरे ओ भाई, ओ भाई, अरे अरे गाड़ी गाड़ी रोको। अरे अरे सुन रहे हो कि नहीं? बड़ी पुरानी कहावत है, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। लेकिन यहाँ हमारे चंपक चाचा मछुआरों के जाल से बचे तो टैक्सी में अटके, और टैक्सी भी जा रही है सूरत। भाई सांता क्लॉस क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए अपने झोले में से गिफ्ट्स निकालते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है नसीब के झोले से गड़ा परिवार के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें निकल रही है। अब देखिए ना, इधर चंपक चाचा उस टैक्सी में फंसे हुए हैं, जा रहे हैं सूरत। इधर हम सब लोग चंपक चाचा को ढूंढ रहे हैं, गोकुलधाम निवासी परेशान है। अब कैसे पता लगाएंगे कि चंपक चाचा कहाँ है? उनके पास तो कोई मोबाइल फोन भी नहीं है, और ये लड़का जिसने अब 20,000 रुपए के पैम्फलेट छपवा दिए, इसे कैसे पकड़ेंगे? भाई बड़ी स्थिति विकट है, अब क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। भाई दुनिया में मंदी का दौर कब खत्म होगा कोई जवाब दे सकता है? वैसे इन सवालों के जवाब मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन टैक्सी जिस गति से भाग रही है उससे ज्यादा तेज गति से आप हंसेंगे अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।